बुला बुला के कई जो साल जो ट्रेनिंग ले रहे थे, अचानक उनके ऊपर पहाड़ पर गाज गिर चुका है। अब बेचारे सारे कोई जिलापाल के यहाँ फरियाद करने के लिए आए हैं, और फरियाद करने के लिए वो हर काम के लिए आए। आइए मिलेंगे कुछ मैडम लोगों से। अरे मैडम आप नारा कहे अच्छा आप लोग यहाँ पर जिलापाल ऑफिस आप क्या करते हैं और क्यों आए जिलापाल ऑफिस? हम लोग बुल्ला भीमसार का अटेंडेंस रिपोर्ट में है, हम सब अटेंडेंस हैं। और गया कल 1 जुलाई को हम लोगों को बिना पूछे बिना इन्फॉर्म किए जॉब से डिस्कनेक्ट किया गया। जैसे कि हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करने के लिए गए तो हम लोगों को मना किया गया कि आप लोग साइन मत कीजिए और आप लोगों को जॉब से निकाल दिया जा रहा है बोल के। तो कितने जनों को सर? मिल तीनों की नहीं, तो, और नाइट हाँ, सिर्फ मिला के 34 जन है। 24 जन से 34 34 34 हाँ सर 34 हाँ। तो हम लोग यही दिल तो क्यों निकाला आपने पूछा कि नहीं उन लोगों से आप लोगों का क्या कसूर? हम लोग पूछे तो जो हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट में जो लिया है जो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है उनसे बात नहीं हुआ है। बस हम लोगों का जो कोऑर्डिनेटर है जो हम लोगों का सुपरवाइजर जो है वो लोगों को पूछा जा रहा है तो वो लोगों बोले कि कॉन्ट्रैक्टर हमको ऑर्डर किया है ये लोगों का नाम दे के और ये लोगों को साइन करने मत देना बोले। जी सर। तो कुछ हम लोग बोल रहे हैं कि उनसे मिलाइए बात करवाइए तो वो क्या प्रॉब्लम मना कर रहे हैं बात नहीं करवा रहे। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन था आपके किसके अंडर में काम कर रहे थे आप? नारायण पटेल कहाँ रहता था? वो बुल्ला में रहता है। बुल्ला में रहता है तो आप लोगों को बिना डिस्कस किए आपको बिना ये किए सब बिना इन्फॉर्म किए निकाल दिए। हम लोगों का गुनाह क्या है वो भी नहीं बताया, बिना रीजन का निकाले हैं। रीजन भी तो बताना चाहिए और इंसान से गलती होता है अगर हुआ भी है। अरे एक से होता है तो आपको 34 से हो जाएगा क्या? सबसे गलती होता है क्या? नहीं एक दो का हो सकता है गलती, लेकिन एक बार देखा जाता है उनको राइट दिया जाता है उसके बाद ना जो वार्निंग दिया जाता है समझाया जाता है और नोटिस करके बोलना चाहिए कि पहले से कि तुम लोगों को निकाला दिया जाएगा एक तरीके फलाना तरीके जो भी है। तो ये सब इन्फॉर्म भी नहीं किए और डायरेक्ट हम लोगों को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। तभी आप क्या डिमांड करें जिलापाल से? अभी जिलापाल से यही बोल रहे हैं हम लोगों का भी छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, बुढ़ा बुढ़ी माँ बाप के हैं, सास ससुर बहुत कुछ है। तो ये सब गुजारा कैसे चलेगा? 3 महीना के लिए हम लोग आए थे ये बस सच है, लेकिन दूसरा जो 3 महीना एक्सटेंड किया गया तब तो हम लोगों को कोई तो आपको कहना जब दूसरों को रखा था आपको क्यों नहीं रखा जाता है? वो जगह में आपको रखना चाहिए, आप ट्रेनर भी हो चुके हैं सब सीख भी चुके हैं आप जी। इतना दिन हम लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो वहाँ रह चुके हैं, हम लोगों को अभी क्यों निकाला जाए? बस बस वो चीज हम जानना चाहते हैं। अगर निकाला भी जा रहा है तो हमको रिपोस्टिंग किया नहीं रिपोस्टिंग किया जाए, उसका नया को नया जॉब दिया जाए। आप लोग को नहीं रखे, आप लोग वही रहे कि बाकी लोगों को दूसरा जॉब दे। थैंक यू सर। अभी हमने सुना यहाँ पर 34 जन 34 को जो जो कॉन्ट्रैक्ट में ले चुका था उन्होंने बिना नोटिस दिए बिना कुछ किए सबको हटा दिया, अब इनकी जगह में दूसरों को रखा जाता है। इनके कहने का मतलब है हम जब इतना दिन से ट्रेनिंग कर चुके हैं सब कुछ को जगह हमें वही रखा जाए जो नए को कहीं दूसरा जगह रखा है। ये जो ठेकेदार है उनका मनमानी चलता है, अपना दादागिरी है वो कभी किसी को नहीं जाते हैं। नारायण पटेल बोल के ठेकेदार है, हम भी सरकार को बोलेंगे कि इनको वापस इनको नौकरी में रखा जाए। अभी अपना परिवार बाल बच्चे कोई माँ बाप पालता है किसके बच्चे हैं हर प्रकार का परिवार है, हर माँ बाप भी ऐसा करते हैं मेरे बच्चे हैं और ये किस तरह के हैं। आपकी आवाज संबलपुर जसवीर सिंह की रिपोर्ट। आप बोलिए थोड़ा एक बार। हाँ सर अभी सर ठेकेदार लोगों का एक दादागिरी चलता है, एक बच्चे 34 जन जो ट्रेनिंग पीरियड में थे उन्हें सडनली हटा दिया गया बिना नोटिस के, बारे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए लोगों को ठेकेदार हटा दिया है जो एज पर लॉ इन लोगों का सपोर्ट में है, तो अभी जिलापाल इनका ऑल इन ऑल है हॉस्पिटल का, तो जिलापाल को हम मीट करेंगे। जिलापाल इन लोगों का प्रॉब्लम जो है उसका ऊपर में वो जो कुछ भी बोलेंगे ना तो जिलापाल क्या बोल रहे हैं हम देखते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने मुंडा जी से बात सुनी, उन्होंने भी कई प्रकार की बातें की। आपकी आवाज़ संबलपुर जसवीर सिंह की रिपोर्ट।